हेलो बच्चों, फिर आपका प्रभात सर आपके लिए उपस्थित हैं पाठशाला साइंस कोचिंग पर। आप लोग जो भी कल मैंने आपको न्यूमेरिकल्स जो पिछली वीडियो में आपको बताया था, आपके लिए फिर मैं उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। और आप लोग स्टार्ट करने से पहले एक बार सब्सक्राइब कर लें, जो नहीं किए हैं लाइक कर लें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखें, अगर कल हमने एक बात किया था कि एक कूलम में तो कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो याद रख कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 6.25 10 टू दी पावर 18। ये आप लिख सकते हैं कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 6.625 × 10^18, ठीक है। अब आप देख ले कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 6.25 × 10^18। ये बिहार बोर्ड में पूछा भी गया है, ये बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव में पूछा भी गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे, या वैसे निकालना तो कल हमने सिखा ही दिया था। अब देखा, अगर मेरे पास है एक चीज और, देखा मुझे कोई कहे कि एम्पियर को परिभाषित करें, अगर मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है कि एम्पियर को परिभाषित करें तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं। अब बता कि चूंकि धारा बराबर क्या होती है, चूंकि धारा I बराबर आपने पढ़ा है Q एन बटा टी, धारा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एम्पियर, और Q के लिए क्या लिख सकते हैं, कूलाम, और समय के लिए क्या लिख सकते हैं, सेकंड। तो हम क्या लिख सकते हैं, एम्पियर बराबर कूलम बटे सेकेंड। अब यहां से हम लोग एम्पियर को परिभाषित कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एक सेकेंड में, जब अब ध्यान से देख, एक एम्पियर बराबर क्या लिखा जा सकता है, एक कूलम बाय एक सेकेंड। एक एम्पियर को क्या लिख सकते हैं, एक कूलम बाय एक सेकेंड, यानी जब एक सेकेंड समय में एक कूलम आवेश प्रवाहित होती है चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से, तो हम लोग कहते हैं कि एक एम्पियर की धारा प्रवाहित हो गई। बात को फिर से समझो कि मेरे पास क्या है कि एक एम्पियर बराबर एक कूलम बटे एक सेकेंड। तो हम क्या बोल सकते हैं अब इसको, कि एक सेकेंड में, जब एक सेकेंड में एक कूलम की धारा, सॉरी, जब एक सेकेंड में एक कूलम का आवेश चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजरता है, तो हम कहते हैं कि चालक तार से एक एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। क्या हम इसको लिख सकते, पहले आप इसको देख लो, पॉज करो, नोट कर लो, और फिर हम इसको मिटाते हैं। अब एम्पियर को अगर मुझे परिभाषित करना है तो क्या हम ऐसे तो लिख सकते हैं, अब थोड़ा देखते हैं बात को, क्या हम लोग ऐसा किया जा सकता है कि जब एक सेकंड में एक कूलम का आवेश चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजरता है तो हम लोग कह सकते हैं कि तो हम लोग कह सकते हैं कि
एक एम्पियर की धारा, एक एम्पियर की धारा चालक तार से प्रवाहित हो रही है। क्लियर। अगर मुझे कोई कहे कि एम्पियर को परिभाषित करो, तो क्या हम लिख सकते हैं कि जब एक सेकंड में एक कूलम का आवेश चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजरता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक एम्पियर की धारा चालक तार से प्रवाहित हो रही है। क्लियर। अब इसको तुम पॉज करके लिख लो, नोट बना लो इसका, फिर अब आगे हम लोग बढ़ते। अब देख, अगर मैं एक टेक्निकल बात तुम्हें समझाता हूं, वो टेक्निकल बात आप जब समझोगे तो बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए ये समझना कि धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। मान लो मैंने लिखा, मान लो मेरे पास कुछ ऐसे एक टेक्निकल पॉइंट लिखा कि धारा आई बराबर, मैंने लिखा 15 एम्पियर। धारा कितना लिखा? आई बराबर 15 एम्पियर। तो इसका क्या मतलब निकलेगा? इसका मतलब निकलेगा कि एक सेकंड में, ध्यान से अब सुनना, धारा बराबर है कितना? 15 एम्पियर। अच्छा बता, एक एम्पियर कितना होता है? एक एम्पियर क्या कहते हैं कि एक सेकंड में एक कूलम आवेश। एक एम्पियर बराबर एक सेकंड में एक कूलम आवेश, तो यहां कितना एम्पियर है? 15 एम्पियर। तो क्या मतलब? एक सेकंड में 15 कूलम आवेश। बात समझ रहे हो? अब अगर मान लो कि मैं कहूं कि जैसे मैंने अभी क्या परिभाषित किया कि एक सेकंड में एक कूलम आवेश प्रवाहित होना ही एक एम्पियर है। अगर मेरे पास कई क्वेश्चन में दिया हुआ कि धारा बराबर 15 एम्पियर और पूछा जाए कि एक सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे कि अगर धारा 15 एम्पियर दिया हुआ है, इसका मतलब है कि एक सेकंड में 15 कूलम आवेश जा रहा है, प्रवाहित हो रही है। तो अब देखो ध्यान से, हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब है, मतलब है कि एक सेकंड में, एक सेकंड में 15 कूलम का आवेश प्रवाहित हो रहा है। इसी प्रकार अगर कहीं पर लिखा हुआ है 20 एम्पियर की धारा, तो इसका क्या मतलब है कि एक सेकंड में 20 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। अगर इसी तरह से कहीं लिखा हुआ है तुम्हारे पास 100 एम्पियर, इसका मतलब क्या है? एक सेकंड में 100 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। क्लियर। आप तो बात को समझने में आप आसान हो गई होगी। चलो अब थोड़ा पॉज करके इसे लिख दो। धन आवेश, धन आवेश धारा के दिशा में प्रवाहित, इसको ऑलवेज रिमेंबर, आप हमेशा याद रखेंगे, धन आवेश धारा के दिशा में प्रवाहित होती है, जबकि ऋण आवेश धारा के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। क्लियर। याद रखना हमेशा इसे कि धन आवेश धारा के दिशा में प्रवाहित होती है, जबकि ऋण आवेश धारा के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। क्लियर। आप इसको याद रखना, इस सबको भूलना नहीं, आगे आपके लिए बहुत काम देने वाला है। सब क्वेश्चन बनाओगे या बहुत सारी चीजें सीखोगे तो ये चीजें आएगी। अब देख, अगर मेरे पास इसको लिख लिए, लिख लो, उसके बाद हम लोग आप देखते हैं इसके लिए आगे।
अब इसके आगे हम बात करें तो क्या हम ऐसी बातें कर सकते हैं? देख लो कि मेरे पास अगर ये कोई एक चालक तार है, ध्यान से देखना आप इसे, आपके पास ये चालक तार है। अब इस चालक तार से ऐसे धारा प्रवाहित हो रही है, मान लो कि इससे धारा ऐसे गई आई और फिर धारा इससे बाहर निकली आए। मैंने क्या समझाया था आपको कि अगर किसी चालक तार से धारा जब प्रवाहित होती है, क्या मैंने आपको ऐसा सिखाया था कि जब किसी चालक तार से धारा प्रवाहित होती है तो कहते हैं कि धारा जा रही है, लेकिन वास्तव में चालक तार के अंदर कौन चलता है? आवेश चलता है ना, और आवेश कौन देगा? याद है मुक्त इलेक्ट्रॉन, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन चलेंगे तब होगा बात। तो बता मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसा, ऋण आवेशित है या धन आवेशित है? ऋण आवेशित। तो बता जब धारा की दिशा किधर है? धारा की दिशा है आपके लिए इस तरफ से इस तरफ, तो इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वह बता खुद तुम लोग किधर चलेगा, इसके विपरीत दिशा में। तो ये ऐसे चलेंगे, ये सारे कौन से हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? ऋण आवेशित। तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तो वो किधर चलेगा? धारा के विपरीत दिशा में। अगर धन होता तो, अब जैसे मेरे पास अगर मान ले कि मेरे पास एक तार है और मैंने ऐसे सोचा कि इसमें प्लस प्लस है, तो यह धन आवेश है, तो ये सारे धन आवेश चलेंगे कुछ इस तरह से और धारा की दिशा भी ऐसी ही होगी। तो आप गौर से देख, धारा की दिशा में, ध्यान से बात को समझ, धारा की दिशा में धन आवेश चलते हैं, जबकि तुम्हारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब कौन चीज? ऋण आवेश, ऋण आवेशित कण। और आपके पास यहां कौन चीज है? धन आवेशित कण। तो क्या मैं बच्चों आप समझू इस बात को, कि आप लोग को यह बात क्लियर हो गई होगी कि जब आपके पास चालक तार से जब धारा प्रवाहित होगी तो उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, उसकी दिशा धारा के विपरीत दिशा में होगी। इसलिए कभी आपने दसवां टेंथ में सुना होगा आपने कि धारा जब चालक तार से जब धारा प्रवाहित होती है तो उसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन चलते हैं। क्यों चलते हैं उस सब बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी तो चैप्टर सब शुरू ही हुई है। अब देख इसमें ये प्लस है, तो प्लस आवेश देखो हमेशा किसकी दिशा में चलेगा? धारा की दिशा में। एक और भी चीजें मैं आपको समझा दूं, किसी भी चालक तार से जब धारा प्रवाहित होती है तो उसकी दिशा का निर्धारण धन आवेश के बहाव के दिशा के आधार पर होती है। फिर ध्यान से सुन, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो धारा के दिशा का निर्धारण उस चालक तार चालक धारा का निर्धारण धन आवेश के बहाव के दिशा पर होती है, बहाव के दिशा पर होती है। क्लियर? तो मैं इसे लिख भी देता हूं, आप इसे पहले लिख लो, देख लो सही से, फिर मैं लिखता हूं। मैं अगर इस साइड यहां लिख देता हूं कि नोट में कि धारा के दिशा का निर्धारण चालक तार से धन, ये कैसा होता है, कौन चीज के लिए? सुविधा के लिए। याद रखना ये होता ऐसा नहीं है, चालक तार के अंदर चलता कौन है? इलेक्ट्रॉन, धन नहीं चलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन चलते हैं, लेकिन हम सुविधा के लिए क्या सोचते हैं कि उसमें धन आवेश चल रहा है। क्यों? इससे हमें धारा की दिशा निर्धारण करना आसान हो जाता है। बात को समझ में रहे हो? इसलिए मैंने क्या लिखा है, सुविधा के लिए। तो सुविधा के लिए धारा के दिशा का निर्धारण चालक तार से धन आवेश के बहाव के दिशा पर होती है। क्लियर? अब देख तुम्हारे लिए मैंने क्या लिखा कि सुविधा के लिए धारा के दिशा का निर्धारण सुविधा है, क्योंकि चालक तार के अंदर तो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, धन थोड़ी चलेंगे, इलेक्ट्रॉन चलते हैं, लेकिन उसकी दिशा कैसी होती है? विपरीत। तो थोड़ा लोगों को याद रखने में दिक्कत होती है, तो आप ये सोच लो कि धन आवेश चल रहा है और उसकी दिशा में धारा चलेगी, तो इसलिए सुविधा के लिए क्या लिखा गया, धारा के दिशा का निर्धारण चालक तार से, ठीक है, धन आवेश के बहाव के दिशा
पर होती है, बहाव के दिशा में होती है, कोई दिक्कत इसमें? तो चलो अब सब कुछ लिख लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। अब आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट, मिटा दे, पॉज करके लिख लो। अब अगर हम लोग आगे बात करें, तो जब हम आगे बात करेंगे तो आप देखो इसमें क्या कर सकते हैं। क्या तुम लोग पढ़ते यार हो कि नहीं? कोई कमेंट बॉक्स में सही से लिखते नहीं हो? मैं तो आपसे बोलता हूं कि आप जब तक लिखोगे नहीं, कमेंट बॉक्स में लाइक नहीं करोगे, तो मुझे क्या पता चलेगा कि आप लोग क्या पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, मैं अच्छा दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करो कि सर अच्छा रहा या इस टॉपिक में प्रॉब्लम है। तो अगर जो बोलेंगे तो मैं फिर से उस पर डिस्कस करूँगा। अगर मान लो कि मैंने कोई वीडियो बनाया और 100 बच्चों को उसमें प्रॉब्लम हो गई कि ये चीज़ समझ में अच्छे से नहीं आया, तो मैं फिर से आपको डाल दूंगा, क्या दिक्कत है? जब पढ़ाने ही आया हूँ तो अच्छे से पढ़ा दूंगा। अब जैसे सब लोग थोड़ा थोड़ा करके कुछ डालते नहीं, आप देखे होंगे कि मैं भी जो वीडियो बना रहा हूँ आपको एकदम अपने क्लास की फीलिंग आएगी कि मैं क्लास में पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं क्लास से बाहर पढ़ रहा हूँ। और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं पूरे लास्ट तक चलूँगा। वही है कि आपको सही से देखना होगा, सही से रेगुलर नोट्स बनाइए, फिर अपने आप को जो भी दिक्कत हो कमेंट्स में लिखिए, जब मैं कोई होमवर्क दूँ तो उसको आंसर लिखिए, लाइक कीजिए, और जितना सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, देखोगे, मेरे लिए एक मोटिवेशन होगा, मुझे भी लगेगा मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। चलें अब आगे देखते। अब अगर मेरे पास एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे दिया गया कि ये एक चालक तार का, ये चालक तार का ये कौन चीज है, मोटाई, या आप इसे क्या कह सकते हो, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, कोई दिक्कत इसमें? अब मान लो कि इसमें इस तरफ एक धन आवेश इस तरफ प्रवाहित हुआ, Q1 बराबर मान लो कि हुआ 10 कूलम प्रवाहित, और इस तरफ से इस तरफ एक दूसरा धन आवेश प्रवाहित हुआ 5 कूलम। ध्यान से देख ले कि मेरे पास एक चालक तार की मोटाई है, मैंने कोई एक चालक तार कल्पना किया, उस चालक तार की ये चालक तार की मोटाई है, और ये उसको क्या बोल सकते, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। मान लो इधर से इधर Q1 आवेश, जो धन आवेश है, वो इस तरफ से इस तरफ गया। ठीक उसी समय जिस समय ये 10 कूलम आवेश इस साइड से इस साइड जा रहा था, ठीक उसी समय 5 कूलम आवेश इस तरफ से इस तरफ आ गया, और इसको क्रॉस करने में समय कितना लग गया, तो समय टी बराबर मान लग गया 2 सेकंड। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, पूछा क्या कि अनुप्रस्थ काट चालक तार से बहने वाली, चालक तार से बहने वाली धारा निकालें। अब कैसे निकालोगे? अब ये तो क्वेश्चन आपने ऐसे देखा नहीं, चलो इसको भी बना लेंगे हम लोग, क्या दिक्कत है, आसानी से कर सकते हैं हम इसको। कैसे कर सकते हैं? अब देख मेरे पास है कि Q1 बराबर 10 कूलम, चार्ज इस तरफ से इस तरफ गया, Q2 बराबर इतना समय कितना लगा, 2 सेकंड, ये चालक है। क्वेश्चन लिख लो पॉज करके, तो फिर इसका आंसर हम लोग देखें। तो जब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे ऐसे, तो आप सबसे पहले इसकी चर्चा करते हैं। मैं लिखता हूं कि Q1 आवेश के कारण धारा, हम क्या लिखेंगे, I1। क्या बता, तो Q1 के कारण धारा इधर इस तरफ गई I1, ये कौन आवेश जा रहा है, Q1 प्लस। क्या बताए थे कि धन आवेश की दिशा में धारा की दिशा लेंगे, तो धन आवेश इस तरफ से इस तरफ जा रही है, तो I1 इस तरफ से इस तरफ जा रही है। जबकि आपके पास क्या हो रहा है, यहां Q2 जा रही है, तो इस तरफ कौन धारा आ रही है, I2। क्लियर? अब बता मुझे, क्योंकि मैंने दोनों तरफ धन आवेश लिया है, तो आप गौर से, मैंने अभी क्या सिखाया तुमको कि धन आवेश की दिशा में धारा को लेना है, तो Q1 आवेश इस तरफ से इस तरफ जा रही है, इसलिए धारा I1 इधर से इधर जा रही है, जबकि Q2 आवेश इस तरफ से इस तरफ आ रही है, तो धारा इस तरफ से इस तरफ आ रही है। क्लियर? तो अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले Q1 आवेश के कारण धारा I1 बराबर क्या लिखेंगे, Q1 एन बटा टी, क्योंकि धारा का क्या सूत्र होता है, आवेश बटे समय। तो हमने क्या लिखा, देखा Q1
कि I1 बराबर Q1 आवेश के कारण धारा I1 बराबर Q1 by T, Q1 का मान मैंने रखा कितना 10 कूलम और समय कितना रख दिया 2 सेकंड। अब क्या हो गया 5, अब क्या हो जाएगा 5 एम्पियर, क्योंकि धारा का मात्रा कितना होगा 5 एम्पियर। अब देख अब क्या लिखेंगे, Q2 आवेश के कारण धारा I2 बराबर क्या सूत्र लिखेंगे Q2 by T, क्योंकि धारा बराबर क्या होता है आवेश बटे समय। अब देख Q2, तो Q2 के जगह पर हम कितना रख सकते हैं 5 कूलम और T समय मेरे पास कितना है तुम्हारे लिए 2 सेकंड, रिजल्ट कितना हो जाएगा 2.5 एम्पियर। अगर देख एक ही समय में जितने समय में ये यहां से इधर गया है ये इधर से इधर आया है, अब बता अगर मैं ऐसे सोचूं कि इस तरफ जाना अगर प्लस तो इस तरफ जाना माइनस, तो गौर से देख अगर इस तरफ जाना प्लस तो इस तरफ आना क्या माइनस, तो हमारे पास यहां कुल धारा क्या लिखा जा सकता है कि कुल धारा I बराबर क्या लिखेंगे I1 प्लस I2 लिखेंगे कुछ इस तरह, कुल धारा बराबर कितना I1 प्लस I2, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 5 एम्पियर माइनस 2.5 एम्पियर, रिजल्ट इज 2.5 एम्पियर। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? आशा करते तुम लोग को अभी सब चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी और खुद भी आप कर सकते हो, लिख लो इसको सही से, खुद से घर पे सवाल बना के देखो, कोई दिक्कत तो होगी नहीं, क्या कोई प्रॉब्लम है इसमें नहीं? अब चल देख अब इस बात को, एक सवाल और करते हैं हम लोग जो शायद हम लोग को थोड़ा मजा आ जाएगा, और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहो, कमेंट करते रहो, ढेर सारा प्यार देते रहो हमें, हम भी आपको देते रहेंगे। जब तक आप अच्छे सब्सक्राइब नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, तो मैं आपको फिर आज अच्छा मुझे भी तो मन टूट जाएगा ना, आपको भी अच्छी शिक्षा चाहिए तो थोड़ा मुझे भी तो खुश करना पड़ेगा आपको नहीं। अब देखते हैं हम लोग, अब देख मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिया गया कि धारा I बराबर टी स्क्वायर टू टी स्क्वायर दिया गया, धारा I बराबर टू टी स्क्वायर। अब बता यहां धारा जो है वो समय पर निर्भर है, यहां T क्या है समय है। अब क्या कहा गया कि समय अंतराल T1 बराबर 0 सेकंड से समय अंतराल T2 बराबर 2 सेकंड के बीच गुजरने वाला कुल आवेश निकालें। अब देख मेरे पास है कि धारा I बराबर 2T स्क्वायर और यहां T क्या है समय है, तो पूछा समय अंतराल T1 बराबर 0 सेकंड से T2 बराबर 2 सेकंड के बीच गुजरने वाला कुल आवेश निकालें। क्वेश्चन लिख लो, हम लोग बनाते हैं इसको, ये अब इसे आसानी से ऐसे ना बनेगा, तो आपको एक सूत्र याद रखना होगा जो आप मैंने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन कल भी कराए थे ने पिछले वाले वीडियो में, मैं आज भी वो सब चीजें करा रहा हूं, देख लो ध्यान से। अभी आपके लिए क्या लिख लिया पॉज करके, फिर मैं अब इसको अब देखा मैं बनाना शुरू करता हूं। मान ले मेरे पास, आप हमेशा या जब सॉल्यूशन करोगे तो इसका जो सवाल बनेगा ना इसका आंसर कुछ इस तरह से होगा, आवेश Q बराबर ये समाकलन का चिन्ह और यहां लिखेंगे धारा अगुने dt। ध्यान से सुन, हमने क्या लिखा यहां पर आवेश यहां पर क्या लिखा, आवेश Q बराबर क्या है तुम्हारे लिए यहां पर, आवेश Q बराबर समाकलन का चिन्ह और I गुने dt। कोई दिक्कत इसमें नहीं? अब इसके आगे देखा, अब क्या करेंगे कि यहां पर और यहां लिखेंगे T1 और यहां लिखेंगे T2। फिर से इसका याद रखना कि आप देख मेरे पास क्या है, आवेश Q बराबर समाकलन का चिन्ह धारा गुने dt और यहां क्या नीचे T1 ऊपर क्या है T2। अब सबके जगह पर सबका मान डाल दे, यहां T1 के मान जगह क्या है 0,
T1 का मान देख लो 0, T2 का मान कितना रखा गया 2, तो 2 डाल दिए। अब I का मान कितना दिया हुआ है 2t2, और नीचे क्या हो गया dt। अच्छा 2 क्या है, एक 2 क्या है, एक नियतांक है, कोई दिक्कत इसमें, 2 एक नियतांक है, उसको बाहर कर दीजिए। थोड़ा बहुत तो आपने एगरमा में सब सीखा होगा। अब आप देख इसको 2 कुछ ऐसे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ t2+1 एंड y2+1, और कुछ ये ब्रैकेट एंड 0 एंड 2, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2/3, और इसे लिख सकता हूँ t2^3 और ये 2, लिखा जा सकता है इस तरह से। देख लो सारा कैलकुलेशन, क्या इसका सूत्र जानते हो ना, x^n dx = x^(n+1)/n+1, फॉर्मूला आपको याद होगा ना। अब आप देख तुम्हारे पास 2/3, अब कुछ इसको लिख सकते हो 2/3, और यहां 2^3 माइनस 0^3, देख लो। एक बार मैंने इसका ऊपर वाला वैल्यू रखा, क्योंकि ये समय ही है ना, देखो समय बदल रहा है, समय पहले 0 था अब 2 हो गया, तो पहले कितना था 0, तब क्या हो गया 2, तो क्या डालेंगे 2 - 0, तो सबसे पहले 2 का वैल्यू डाला टी के जगह पर, समय के जगह पर, तो t^3 क्योंकि पावर है यहां पर, फिर 0, तो बता 0^0 कैंसिल, ये कितना हो गया 8, तो 2 × 8/3 कितना 16/3, और आवेश निकालने, इसलिए इसका मात्रक क्या होगा कूलम। क्या मैं आशा करूं तुम लोग ये सब चीजें सीख गए होगे, खुद से कर सकते हो, घर पे जरूर प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं फिर तुम लोग से अनुरोध करता हूँ कि जो भी चीज़ सीखते हो प्लीज़ थोड़ा कमेंट बॉक्स में आप उसको लिखें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, उसको शेयर कर, और कमेंट बॉक्स में जब लिखोगे तो मुझे पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, कितने लोग पढ़ रहे हैं सही में। तो मैं आपको होमवर्क रेगुलर दिया करूँगा, जैसे 2-4 क्वेश्चन का होमवर्क दिया करूँगा, और मैं कहूँगा कि आप हमको, अगर बहुत ज़्यादा होगा तो मैं व्हाट्सएप नंबर आपको दे दूंगा, आप उस पर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दिया करूंगा। आप मुझे दिखा सकते हैं पिक्चर ले करके कि हाँ सर देखिए आज मैंने इतना नोट्स बनाया और किया। अगर आप इतना करके करेंगे तो मैं भी आपके लिए बहुत खूब अच्छा से सब कुछ कर दूंगा। दुर्भाग्य यही कि मेरे पास जो नॉलेज है यहाँ लोग ले नहीं पाते, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन अब ऑनलाइन एक ऐसा मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया है जो मैं अपनी हर एक चीज़ में लोगों तक शेयर कर सकूं, बता सकूं, एक मौका मिला है। सो प्लीज़ उसके लिए तुम लोग जितना भी हो सके पढ़ो घर पे, मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी, तो ढेर सारा, और हमारे तरफ से प्रभात सर के तरफ से ढेर सारा प्यार।